सीधा हवाला दे के इत्थे जिहड़ा इन्हां नूं इत्थों हटाने की कोशिशां कीतियां जा रही। एक बार तुहानूं तस्वीरां फिर दिखा दां जिथे प्रदर्शनकारी बैठे उन्हां नूं रोकण लई इत्थे वड्डी गिणती दे विच जिहड़े चंडीगढ़ पुलिस भी इत्थे तैनात कर दी गई ते नाल इत्थे बसां लगा दित्तियां गईआं क्योंकि इन्हां नूं अगर इन्हां दे उत्ते एक्शन होएगा तो उस तों बाद इन्हां नूं हिरासत दे विच लिता जाएगा, इन्हां दे खिलाफ़ मामले दर्ज किए जाएंगे, उस लई इत्थे तैयारी की गई है। जिथे तक धमकी का सवाल है, ये धमकी चंडीगढ़ पुलिस वालों एक बार नहीं बल्कि तीन वार हुण दो बार दी जा चुकी है। तो यह साफ कह दिता कि तीसरी वार्निंग इन्हें नहीं दी जाएगी। समा 10 मिनट का दिता गया सीगा, उस तो बाद दूसरी वार्निंग दिते भी तकरीबन 10 मिनट तो ज़्यादा समा हो चुका है। तो हुण किसी वेले भी इत्थे जिहड़ा वड्डा एक्शन देखण नूं मिल सकता है। तो कैंडीडेट्स ने साफ कह दिता है वो पिछे नहीं हटणगे, इतों ही जड़े वो अपना जब तक ज्वाइनिंग लैटर इन्हों नहीं मिलेंगे इसी तरीके इतने बैठेंगे। वेख सकते हो तस्वीर, असी एक बार गलबात करने की कोशिश करते हैं। कदों तक तुम हूँ इतने बैठने क्योंकि जिन्ना चर सू रिटर्न लिख दिता जाता भी सू दिन इन्ने टाइम तक ज्वाइन नहीं देवे, उन्ना टाइम नहीं असं मिलते। पहला तो अभी 1.5-2 साल मेहनत करिए, पढ़ाइया करिए, उस तो बाद सू 9 महीने हो गए इतने बैठ फिरद भी है ना, जो भर्ती खुली हैगी असी बिल्कुल परेशान हो पाया हूँ ना, बिल्कुल किसी अगर पढ़ सकते हूँ इन्ना टाइम जिन्ना कर सू रिटर्न दिता जाता भी असं इन्नी टी इन्नी तरीक ज्वाइनिंग देवे उन्ना टाइम नहीं असं उठते, इतें ही बैठा डंडे मार डंडे मार लैन, जे परचे ने परचे देना असं नहीं इतों हिलते है। पुलिस के सीनियर अधिकारी थोड़े को आए थे, गलबात भी उन्होंने की है कि थोड़ी जल्दी नतीजे जो घोषित हो जाएंगे, तुम्हें जल्दी जो ज्वाइनिंग लैटर दे दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद तुम पिछे नहीं हटे। सर मैम जी मिलने आए थे, दैट वॉज नॉट ए कंपीटेंट अथॉरिटी, उन्होंने को मतलब इस चीज़ बारे इनफॉर्मेशन की लैक घट सी, उन्होंने को इनफॉर्मेशन नहीं इन बारे। असं उन्होंने अगर यही डिमांड रखी कि जो कंपीटेंट अथॉरिटी है जो डिसीजन लै सकते हैं साड़ी ज्वाइनिंग लैटर के रिगार्डिंग फरदर प्रोसैस के रिगार्डिंग सानू उन्होंने मिलाया जाए। पुलिस तुहानू कह रही है इत्थों हट जाओ वरना तुहाडे ते सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, अगर जो भगवंत मान सरकार का पहला लाठीचार्ज साढ़े ते हुंदा तां असीं उन्हूं वेलकम करांगे सर। वड्डी गल इन्हां वल्लों कीती गई है कि अगर साढ़े उत्ते एक्शन हुंदा तां असीं उहदा वेलकम करांगे, पहला अगर लाठीचार्ज हुंदा भगवंत मान सरकार तां असीं उह सहन नूं पूरी तरीके नाल तैयार, लेकिन जद तक साडी डिमांड्स तद तक असी वापस नहीं हटांगे। साडे नाल कुछ होर कैंडीडेट्स हैगे जिहड़े गल भी कर रहे थे, तुसी असी सुनिया तुसी आई जी मेरे नाल गल भी कर रहे थे, तुसी कोई डिमांड रख रहे थे कि वैबसाइट पर जिहड़ा वो पा देन आश्वासन पा देन, फिर उन्होंने वालों की कहा गया? सर उन्होंने वालों तो यही गल कही गई है कि तुसी साडी गल ते विचार करो कि तुसी उरों चले जाओ, तुहाडा काम जल्दी हो जाएगा, असीं तुहानूं आश्वासन दिवाने आ। पर असीं डिमांड कीती सी कि सानूं ऑफिशियल वैबसाइट दे उत्ते रिटन दे विच कुछ नोटिफिकेशन पाया जाए कि इन्ने टाइम दे विच तुहाडा काम हो जाएगा, सानूं इक टाइम लिमिटेशन दित्ती जाए, उहदे अकॉर्डिंग असीं वेट करन नूं तैयार हाँ सर असीं, ठीक है। बट सानूं कोई दस्या तां जावे वी साने वेट किन्ना टाइम करनी है। बिल्कुल नीलम, एक बार फिर तुहानूं तस्वीर दिखा देना, फिर DSP इत्थे पहुंचे ने, फिर कोई गलबात करन लई पहुंचे ने। सारे मेरे ख्याल थोड़ा काम हो ही गया जां हो जाएगा, अंदर दोबारे 3 या 4 बंदे मेरे नाल जा सकदे हो। सो 3 ते 4 नौजवानों नूं मिलण दी इजाजत दिंदे होए नजर आए ते भरोसा दिता जा रहा है इन्हां मुजाहराकारियां नूं। सवेर तो यह प्रदर्शन जारी है, एक्शन की तैयारी में पुलिस भी नजर आ रही है। मौके पर पुलिस वालों कई बार कहा गया कि जल्द तो जल्द तुहाडी मांग पूरी कर दी जाएगी, वैबसाइट से पूरा अपलोड कर दिया जाएगा तुहाडी ज्वाइनिंग लैटर नूं लेके, पुलिस भर्ती नूं लेके बेरोजगार नौजवानों का हल्ला बोल अज CM रिहायश के बाहर वेखण नूं मिलिया। चंडीगढ़ विखे मुख्यमंत्री की रिहायश के बाहर मुजहरा दे रहे हैं, असं कार्रवाई करांगे जिहड़ी साडी बनदी है, कर रहे हैं समझा, साडा पहला काम है समझाना, बींग ह्यूमन बींग असं पहला इंसान तौर पर समझा रहे हैं, नहीं समझा असं कार्रवाई करांगे, पीसफुल बैठे हैं, कोई इदा दे लगे सानूं भी वायलेंट होणगे जां कुछ करनगे फिर असं अपना एक्शन लवांगे। गुरमुख जी कितनी देर तक इंतजार करेंगे चंडीगढ़ पुलिस वालों की? नहीं ऑलरेडी इन्हां दे नेगोशिएशन चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन नाल, इन्हां नूं बुलाया अंदर दुबारे, फिर इस करके इन्हों मैसेज देने आए थे, 3-4 बार जो जाते हैं इन्हों का शायद फाइनल हो जाएगा काम। सो बिल्कुल तुम सुन सकते हो DSP गुरमुख सिंह जिहड़े जिन्हां वालों इन्हों धमकी दी गई सी, हुण उन्हां दा रुख थोड़ा जिहा नरम नज़र आ रहा है, कह रहा है
कि अंदरों मुख्यमंत्री आवास तो कुछ लोग इन्हों मिल के मिलन आ सकते, कुछ अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन लैवल से इन्हों गलबात हो सकती है, तो इन्हों की गल सिरे चढ़ सकती है। कहनी कही है कि इन्हों का जोड़ा दबाव से उस दबाव हेठ हूँ सरकार कितने ना कि आती नज़र आ रही, लेकिन जब तक इन्हों कोई आश्वासन नहीं मिलता, कोई लिखित के इन्हों आश्वासन नहीं मिलता तद तक ये इतें ही बैठनगे। चंडीगढ़ पुलिस वालों बार बार इन्हों समझाया जा रहा है कि हले भी थोड़े को समय है कि इलाका खाली कर दो, अगर नहीं तुसी किता ते मजबूरन जिहड़ा चंडीगढ़ पुलिस ने इन्हां दे उत्ते वड्डा एक्शन लेना पवेगा ते इन्हां दे खिलाफ जिहड़ा मामला भी वो दर्ज करना पवेगा। जी नीलम बिल्कुल, पहला धमकी दी जा रही थी ते हुण समझाउण दी कोशिश शुरू हो गई है, ते सीधे तौर ते डीएसपी वालों भी एक कहा गया कि जेकर ये वायलेंट होंदे ने उस तो बाद ही कार्रवाई होएगी, जेकर शांतमई तरीके नाल प्रदर्शन कर रहे ने तां उहदे तक कुछ नहीं होएगा। चंडीगढ़ में जिसमें पांच और पांच बंदों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, तो हम आपको ये वार्निंग दे रहे हैं, पहली वार्निंग है हमारी, यहाँ से आप 10-15 मिनट में तितर बितर हो जाएं, यहाँ से चले जाएं। हमारा जो रैली ग्राउंड है सेक्टर 25 वो रैलियों के लिए एयरमार्क किया हुआ है, वहां पे जाके आप धरना प्रदर्शन जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये एरिया धारा 144 के तहत आता है, तो आपको अभी भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप ये एरिया छोड़ के यहाँ से चले जाएं, वरना हमारे को फोर्स यूज करनी पड़ कर सकते हम। सतारा 144 दा हवाला दे के इथा खाली करन दी चेतावनी दिती गई है, सैक्टर 25 विच जिथे रैलियां भी कीतियां जांदियां ने उत्थे जाके प्रदर्शन करन लई इन्हां बेरोजगार नौजवानां नूं कहा गया है। धारा 144 दा हवाला देंदे हुए इथा खाली करन लई कहा गया है। सीएम भगवंत मान दी रिहाइश दे नेड़े ये प्रदर्शन चल रहा है, सवेर तो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस भर्ती नूं लैके बेरोजगार नौजवान सवेर तो ही अज प्रदर्शन कर रहे ने ते मांग कर रहे ने ज्वाइनिंग लेटर दी।